तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं खीर घर पे, तो इसी का वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ। तो खीर बनाने के लिए हमको चाहिए कच्चा चावल, तेजपत्ता, इलायची, बादाम, किशमिश और काजू तो फ़िलहाल हमने नहीं लिया है, पर आप लोग डाल सकते हैं। तो फिलहाल इधर पे दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म होने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो दूध अच्छी तरीके से उबल जाने के बाद अब हम इसमें तेजपत्ता और इलायची डालेंगे। देखिए हम डाल चुके हैं, अब इसको और उबालेंगे पहले, उसके बाद इसमें चावल डालेंगे बाद में। तो दूध के अच्छे से उबल जाने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल, तो अब हम इसमें सब चावल डाल देंगे। तो हमने सब चावल डाल दिया है, अभी अब इसको उबालेंगे वापस से। चावल को पकाएंगे, ये सब चावल डाल दिया है, अब चावल को पकने के लिए रख देंगे। तो चावल को पकने के लिए रखने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि दूध ऊपर आके गिरे ना। और बाद में अभी हम यहाँ पे बादाम वादाम सब तोड़ के रख रहे हैं, बाद में जब चावल अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें चावल भी चावल के बाद में ये बादाम और किशमिश वगैरह भी डालेंगे। तो अब बारी है, ये चावल एकदम अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश, बादाम और ये सब डालेंगे। अब हम तो एक एक करके डालते हैं। ये किशमिश डाल रहे हैं अभी हम, और अब हमने ये बादाम भी डाल दिया जो हमने तोड़ के रखा था, वो भी डाल दिया। अब इसको भी हम पकाएंगे अच्छे से, सब डाल देने के बाद ये हमने सब डाल दिया है, अब हम इसको एकदम अच्छे से पकाएंगे फिर से। तो अब एकदम लास्ट में हम इसमें चीनी डालने वाले हैं, तो ये एक कटोरा चीनी लिया है हमने, क्योंकि हम लोग 6 लोग के लिए बना रहे हैं खीर, इसलिए आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके सब चीनी डाल देंगे। और देखिए ये खीर पूरी तरीके से बन भी चुका है एकदम अच्छे से, अभी हम इसमें सब डाल दिए और ये हो गया है खीर, एकदम रेडी हो चुका है। चीनी हमने लास्ट में डाला और अब इसको सर्व करके बस देना है। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.